Good morning, dear friends. Today, once again, we'll start with light, reflection, and refraction. So, last lecture, friends, we have studied about the convex and concave lens, how the rules can be studied for the image formation. Rules or image formation. Today, we will start with actual image formation by convex lens. So, we'll start with image formation by convex lens. We will start with image formation by convex lens. So, for the image formation by convex lens, we will study many different cases. So, as I told you in the last, so here we will be ready. Object position. बाद में यहाँ पे इमेज पोजिशन, हाँ, नेचर एंड लास्टली साइज. ओके, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट पोजिशन, इमेज पोजिशन, यहाँ पे नेचर एंड यहाँ पे साइज. सो वी स्टार्ट विथ नंबर वन. Object at infinity. So suppose my object is at infinite distance from the convex lens. तो क्या हो जाएगा, दिखाते हैं. तो मैंने principal axis निकाल दिया बेटा, बाद में convex lens तैयार किया मैंने. Okay, ये बन गया, this is optical center, this is F1, this is C1, this will be F2, this is C2. F1, F2 are the foci, and C1, C2 will be center of curvature. So we will start with the case. अभी क्या होता है हम देखते हैं, what will happen in this case that we will study. Okay, so ये मैंने lens दिखा दिया आपको. Now suppose object is at infinity, so the rays coming from object will be parallel to the principal axis. So when the ray is parallel to the principal axis, they will go through focus. So we will get both the rays which will go through the focus, F2, and if they are going through the focus, we will get here image. So this will be my image. कैसे होगा बेटा? So image will be image position at F2. Image क्या बन जाएगा? At F2. Nature कैसा बनेगा? Of course, real. Nature कैसा बनेगा? Real. Okay. And inverted. अभी inverted वैसा क्या होता है? अब इसके बाद हम देखेंगे. Okay. R and I यहाँ पे लिख के रखते हैं. साइज हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड, इसको क्या बोलते हैं, इमेज को क्या बोलेंगे हम, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड. हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड. ओके, सो दैट वॉज द केस वन. So I will recommend you to note this down. We'll go for the next case. Okay, beta. So इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में इसको मैं हटा देता हूँ. ये object rays को वगैरह हटा देता हूँ. And I will keep F1, F2 same. उनको मैं हटाता नहीं हूँ. खाली इसको हटा देता हूँ. तो अभी क्या हो जाएगा बेटा? देखो. अभी देखो. फिर से मैं इसको try करता हूँ निकालने के लिए. पहले मेरा केस खत्म हो गया. ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी एट F2. ओके, अभी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब वो इनफाइनाइट नहीं है लेकिन बियॉन्ड सी. ऑब्जेक्ट कहां पे गया? बियॉन्ड सी. सपोज ऑब्जेक्ट इज हियर, तो फर्स्ट वी विल टेक अ पैरेलल रे which will pass through focus.
And secondly, I will take a ray which will pass through optical center. So it will go undeviated. ये थोड़ा सा डायग्राम अपन का थोड़ा सा गलती की गुंजाइश हो सकती है. सो लेट मी डिसाइड टू ड्रॉ इट वंस अगेन. क्योंकि लाइट में अगर आपका डायग्राम ठीक नहीं है तो कुछ नहीं. सो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द लाइट. तो अगेन आई हैव टेकन वन लेंस F1. आपको क्या करना है, ये जो आपका F1, C1 जो डिस्टेंसेस है वो आपको ठीक से लेना पड़ेगा. F2 यहाँ पे लिखता हूँ, C2, और मैं यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ. यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, तो रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ओके, तो वंस अगेन आई विल शो दिस लेंस. सो इट इज़ बेटर टू ऑलवेज वंस अगेन ड्रॉ इट. इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर देन यू मे ड्रॉ इट. तो यहाँ से गया पैरेलल रे, पैरेलल रे कंसिडर करने का पैरेलल. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस, गेटिंग माई पॉइंट. और दूसरा रे बनेगा अपना गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. तो ये जो आपका रे ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला है, थोड़ा सा उसको ठीक से बना के लेते हैं, क्योंकि वो दिखना चाहिए स्ट्रेट. ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर ये बन गया तो ऐसे ही जाएगा वो यहाँ पे. एक्चुअली ये भी आपका पक्का डायग्राम नहीं आ रहा है, तो ठीक से उसको बना देते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. बाय मेकिंग प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू दैट. ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे आएगा, एकदम फ्लैट चला जाएगा, जल्दी मीट करेगा इसको, यहाँ पे मीट करेगा. सो लेट मी सजेस्ट यू, तो यहाँ पे मीट करेगा तो ये कैसे दिखेगा आपको, ऐसे दिख सकता है. ओके, तो ये बन गया मेरा F2. यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रे 1 और 2, ये दोनों मिला के इमेज फॉर्म करेंगे. तो अभी ये दिखने में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेंशन आएगा कैसे दिखेगा. तो ये दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका प्रॉपर मेजरमेंट लेना पड़ेगा. तो मेरी केस में ठीक है, एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ, बिकॉज इट मस्ट बी करेक्ट. आपको वो उसका एहसास होना चाहिए करेक्ट कैसे है. तो ठीक है, पहले हम क्या करके लेते हैं, इधर O बनाते हैं. जितना डिस्टेंस यहाँ पे लेते हैं 1, उतना डिस्टेंस यहाँ पे, उतना डिस्टेंस यहाँ पे, उतना डिस्टेंस यहाँ पे. तो मैंने क्या किया, 4 पॉइंट कंसिडर किया. और क्या करके लो, एक आइडिया बना दिखा दो आपको. आइडिया कैसे करके लेने का, यहाँ पे आप जो ऑब्जेक्ट ले लोगे, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी कुछ, तो पहले ऑब्जेक्ट से एक रेख बना के लो, तो आपको अंदाजा आएगा ऑब्जेक्ट कहाँ पे मीट करेगा. आर गेटिंग अ पॉइंट. ओके, सो इफ यू टेक दैट आइडिया देन देर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो पहले क्या था, पहले अपना था बियॉन्ड, पहले अपना था एट इन्फिनिटी. तो एट इन्फिनिटी था तो अपना इमेज कैसे था, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश था. नाउ माई ऑब्जेक्ट आई हैव मूव्ड towards the lens, so it became beyond C1, of course beyond C1 बोलो इसको, इधर भी दिखाता हूँ C1. तो ठीक है, अभी ट्राई करते हैं निकालने के लिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, तो इसको मान के चलो ऐसा है. ओके, अभी मीट किया है यहाँ पे. तो इसका साइज़ देखो और इसका छोटा है, दिखने में आपको सही दिखेगा, इससे भी आप छोटा निकाल सकते हो. तो अभी क्या बन गया, ये मेरा बन गया ऑब्जेक्ट, वहीं पे ये मेरा क्या बन गया, इमेज. अभी हाईली डिमिनिश नहीं बनेगा, बिटवीन कहाँ पे बनेगा, बिटवीन F2 एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये F2 है ना आपका, ये C2 है, वहाँ पे ये F1 और ये C1, बिटवीन F2 एंड C2. फिर भी वो कैसे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा. यहाँ पे लिखता हूँ रियल एंड इन्वर्टेड. हाँ, अभी लिखता हूँ इसको हाईली डिमिनिश नहीं लिखता हूँ, डिमिनिश लिखता हूँ. ये हाईली डिमिनिश नहीं है, खाली डिमिनिश है. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1, इमेज विल बी between F2 and C2, it will be real and inverted and diminished, not highly diminished. Okay, तो अभी हम जाते हैं आगे के लिए. Object exactly at C. Object exactly at
सी नंबर थ्री केस बन गया ऑब्जेक्ट एट सी वन. ओके एट सी वन. तो यहाँ पे मैं डायग्राम फिर से निकल के लेता हूँ. ये मेरा लेंस बन गया. जितना जितना आप लेंस के नज़दीक आओगे ना बेटा, तो आपको लेंस का डायग्राम ज़रा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा. अगर नहीं बनाओगे तो आपको वो देखने में दिक्कत आएगा. थोड़ा सा आपका रेज वगैरह जो मीट होते हैं वो दिखाने में आपको दिक्कत आ सकता है. तो यहाँ पर मैंने लिया एफ वन, यहाँ पर मैंने लिया सी वन, और सी वन को मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया. तो कैसे आएगा, जितना F1 है उतना ही F2 लिखने का, जितना F1 C1 है उतना ही F2 C2 लिखने का, F2 C2. तो अभी पहला रे कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा. वो क्या करेगा, F1 F2 को पार करके ऐसे जाएगा, और दूसरा रे यहाँ से ऐसे जाएगा कि वो एग्जैक्टली C2 को मीट करेगा. अगर थोड़ा सा भी ठीक से नहीं आ रहा है तो इसको फिर से मैं नोट डाउन करके लेता हूँ. ठीक से आने के लिए उसको बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. और ये मेरा यहाँ पे मिट कर दिया. तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, जितना है उतने साइज का मेरे को इमेज मिल गया. ओके तो मेरा इमेज क्या बन गया, तो इमेज विल बी ये सी टू ये सी वन, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट. तो इमेज विल बी कहाँ पे इमेज मेरे को मिलेगा, इमेज विल बी एट सी टू, एट सी टू मिलेगा. इमेज का नेचर कैसे बनेगा, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड. साइज कैसे बनेगा, सेम साइज. साइज कैसे बनेगा, सेम साइज. सो दिस वॉज अबाउट द केस फॉर द ऑब्जेक्ट एट सी वन. ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट. नेक्स्ट जाते हैं. अभी ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, दैट इज सी वन एंड एफ वन. सो विल गो फॉर द नेक्स्ट केस नंबर फोर. Object between C1 and F1. आपका ऑब्जेक्ट है अभी C1 और F1 के बीच में. सो इफ द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन C1 एंड F1, what we'll do? Same we'll do. Nothing the special we'll do. The same thing we'll draw. So let us draw the diagram. Principal axis. बन गया मेरा, ठीक है. ठीक से बनाता हूँ इसको. ज्योमेट्री इसके लिए लाइन का भी ख्याल रखना पड़ता है. आप तो स्केल से बना सकते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आपका एफ वन, यहाँ पे आपका सी वन, यहाँ पे आपका बन जाएगा एफ टू, यहाँ पे बन जाएगा आपका सी टू. ऑब्जेक्ट मेरा है सी और एफ के बीच में. ओके तो अभी देखते हैं, थोड़ा छोटा निकलते हैं, है ना. क्यों, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी मालूम है कि जैसे जैसे मैं लेंस के नज़दीक जा रहा हूँ, हाँ आई एम गोइंग नियर टू द लेंस, माई इमेज इज गेटिंग एनलार्ज्ड. पहले वो हाईली डिमिनिश थी, बाद में डिमिनिश हो गया, बाद में सेम साइज़ का हो गया. मतलब लेंस का इमेज का जो साइज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज. सो ये मेरे को पहले ही याद है तो इसलिए मैंने इसको लिख के रखा है. तो अभी यहाँ से ऐसे रे निकाल के लेते हैं और यहाँ से एक ऐसा रे निकालते हैं. देन आई विल गेट दैट. Now my image is again real and inverted. अभी beyond C बन गया, अभी beyond C बन गया, बन गया. और ये enlarged बन गया. कैसे बन गया, enlarged बन गया. तो object at between between C1 and F1. तो image कहाँ बन गया मेरा, image beyond C बन गया, बियॉन्ड सी बन गया, बियॉन्ड सी टू इसको बोल गए, बियॉन्ड सी टू. नेचर कैसे बन गया बेटा, नेचर बन गया रियल एंड इन्वर्टेड. नेचर बन गया आपका रियल एंड इन्वर्टेड. नेचर क्या बन गया आपका, रियल एंड इन्वर्टेड. और साइज मैग्नीफाइड हो जाएगा. साइज कैसे बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, इससे ज़्यादा ज़्यादा साइज में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो दैट वॉज अबाउट द फोर्थ केस, दैट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन सी वन एंड एफ वन. अभी आगे निकलते हैं. अगर अपना ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट एफ है, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट एफ है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, वन
2, 3, 4 and 5. अभी 6 लेते हैं, 7 कैसे? अभी 5 बन गया, अभी 6. ऑब्जेक्ट एट F, एग्जैक्टली एट F है ऑब्जेक्ट अगर आपका, तो कहाँ पे बन जाएगा देखो. अभी अगर आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट F है तो क्या क्या दिखता है देखते हैं. अभी ये बन गया आपका O, ये बन गया F1. हाँ ऑफकोर्स यहाँ पे F1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे C1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे C2. तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सपोज, तो पहला रे पैरेलल जाएगा, वो फोकस में से चला जाएगा, एंड सेकंड रे यू विल गेट सच दैट इट इज पैरेलल टू दिस, सॉरी इट इज पैरेलल टू द रे विच इज गोइंग. सो दिस टू रे विल नॉट मीट ईच अदर. सो दिस टू रेज विल नॉट मीट ईच अदर. सो यहाँ पे इमेज बन जाएगा, ये पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं एट F1, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी. इमेज को आप कंसिडर कर सकते हैं एट इन्फिनिटी. वो नेचर के सामने का इमेज का, फिर भी नेचर बन गया रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, इसको बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड, इसको बोलेंगे आप हाईली मैग्नीफाइड. तो ये बन गया, तो मतलब फ्रॉम इन्फिनिटी टू F1, अगर आपने ऑब्जेक्ट को, इफ यू आर अप्रोचिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू F1 एट एनी पोजिशन, वन बाय वन, यू विल फाइंड दैट यू विल ऑब्जर्व दैट द इमेज साइज विल गो ऑन इंक्रीजिंग. इमेज साइज विल गो ऑन इंक्रीजिंग, स्टिल द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड ओनली. नाउ द लास्ट केस विच विल बी स्टडिंग, दैट विल बी योर केस ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप. सो लास्ट केस विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द केस ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप. और वो सिंपल माइक्रोस्कोप का केस स्टडी करने के बाद अपन को समझेगा एक्चुअली वो क्या होता है. सो लास्ट केस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिटवीन F1 एंड O, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O. तो ये बन जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप आपका. तो कैसे बनता है दिखाते हैं, जो हम माइक्रोस्कोप उसको बोलते हैं, ये ऐसे बनेगा. तो कैसे बनेगा, तो ये बन गया मेरा लेंस. लेंस को ठीक से बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा और भी बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है. ओके, ये बन गया मेरा लेंस. यहाँ से भी उसको ठीक से खाना पीना करता हूँ उसका. हाँ अभी ठीक है, ये बन गया अपना ओ, यहाँ पे बन गया मेरा F1 और यहाँ पे बन गया मेरा C1, यहाँ पे बन गया F2, यहाँ पे बन गया C2. और अभी क्या करेंगे, मेरा ऑब्जेक्ट क्या कहाँ पे रहेगा, ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन F एंड O, यहाँ पे एकदम नज़दीक, वेरी नियर टू द लेंस. तो ये तो इधर बन जाएगा ऐसा, फर्स्ट रे विच वॉज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वेंट थ्रू द फोकस. लेकिन दूसरा वाला जो रे बनेगा वो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो ये ऐसे जाएगा. सो आई नो दैट नाउ दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट मीटिंग हियर, सो आई विल कंसिडर दैट समवेयर दे आर मीटिंग एट द बैक. सो आई विल कंसिडर दे आर मीटिंग एट द बैक समवेयर दे विल वेर दे विल क्रॉस. तो यहाँ पे अपना मिलेगा इमेज. इमेज कैसे मिलेगा, इमेज को मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ. व्हाई आई एम शोइंग द इमेज बाय डॉटेड लाइन, बिकॉज इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, तो ये मेरा बन गया इमेज, ये था ऑब्जेक्ट, ये बन गया मेरा इमेज, उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये बन गया मेरा इमेज. सो मेरा सेवंथ केस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन F1 एंड O. तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O है तो आपका इमेज कैसे बन जाएगा, इमेज विल बी ऑन सेम साइड, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है वहीं पे आपका क्या बन जाएगा, योर इमेज विल बी फॉर्म.
इमेज कैसे होगा, इमेज कैसे होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसे बन जाएगा आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगा। और साइज, साइज विल बी मैग्निफाइड, साइज विल बी मैग्निफाइड। सो बेटा आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन ऑल द केसेस बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स ऑल्सो फॉर राइटिंग बोर्ड आंसर्स। तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव मेंटेन्ड ऑन द बोर्ड। सो इट्स वेरी इजी, देर इज नो प्रॉब्लम, नाइसली यू कैन गेट द आइडिया अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। नाउ लेट अस गो फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। ओके, सो आई होप यू हैव नोटेड दिस डाउन, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट केस। सो नेक्स्ट केस इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। सो विल स्टार्ट विथ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस और उसके बाद में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस एंड लेंस इक्वेशन। तो वो आपको अगली लेक्चर में मिलेगा, इस लेक्चर में हम पूरा करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। सो सेकंड वन वी विल गो विथ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो यहां पे आपको केस लेना है, तो पहले पहला केस ले लो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो पहला केस बनता है आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका ओ आएगा, ऑफकोर्स यहाँ पे एफ वन, यहाँ पे एफ सॉरी सी वन, यहाँ पे आएगा एफ टू, यहाँ पे आएगा सी टू। तो यहाँ पे फिर से लिख के लेता हूँ ऑब्जेक्ट, बाद में इमेज, नेचर और इसके बाद में मेरा क्या बन जाएगा, साइज बन जाएगा। इसके बाद में मेरा बन जाएगा साइज, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट मैंने एट इन्फिनिटी लिया। सो केस वन, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। तो मैं निकालता हूँ अभी, दो पैरेलल रेज बनाता हूँ। इफ द पैरेलल रेज आर कमिंग इंसिडेंट ऑन द लेंस, कॉन्केव लेंस, दे विल डाइवर्ज सच दैट दे आर अपीयरिंग टू कम फ्रॉम, सॉरी दे आर अपीयरिंग टू कम फ्रॉम, ओके। सो यहाँ से भी वो डाइवर्ज करेंगे, सो दे विल गेट डाइवर्ज। ओके, सो वी विल गेट इमेज, कहाँ पे मिलेगा इमेज, सेम साइड, मतलब एट एफ वन। नेचर कैसे हो गया, ये तो इमेज एक्चुअली नहीं बन रहा है, मतलब रियली नहीं बन रहा है, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज को क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज को क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज हाईली डिमिनिश्ड, ओके। और सेकंड केस, सेकंड केस आप कहीं भी ले सकते हो, सेकंड केस यू कैन टेक एनीवेयर, ओके। सो ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, ओके। सेकंड केस ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, मतलब कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रखो, हाँ खाली इन्फिनिटी पे मत रखो, क्योंकि हमने इन्फिनिटी का वी हैव स्टडीड ऑलरेडी द केस फॉर द इन्फिनिटी। तो आप अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, ये एफ वन लिखते हो, ये एफ टू लिखते हो, सॉरी सी वन लिखते हो, ये एफ टू लिखते हो, यहाँ पे सी टू लिखते हो, तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे, सपोज अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा दिखाते, पहले तो रे जाएगा, ये रे कैसे हो जाएगा, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, बराबर। और दूसरा रे यहाँ से पकड़ लो इसको, तो यहाँ से कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पे भी ऐसा दिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको इमेज मिलेगा। इमेज कैसा बन गया आपका,
इमेज बन गया, इमेज ऑन द सेम साइड. वंस अगेन, सो एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट हो, इमेज विल बी अगेन सेम साइड, ऑन सेम साइड, ऑन द सेम साइड. कहाँ पे हो ये डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो यहाँ पे वो दिखाने का ज़रूरत नहीं है. अभी यहाँ पे इधर इधर आ गया, कहीं इधर भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में, ये आप ध्यान रखो. तो इमेज कैसे आएगा, इमेज बन जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इट विल बी डिमिनिश्ड. तो इस प्रकार, इन दिस वे, अवर कॉन्केव लेंस गिव्स अस इमेज फॉर्मेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस वी हैव स्टडीड हाउ द इमेज इज फॉर्म, एंड ऑल्सो फॉर द कॉन्केव लेंस वी हैव स्टडीड हाउ द इमेज गेट्स फॉर्म. सो वॉट इज द नीड ऑफ दिस? द नीड ऑफ दिस इज दैट whenever, okay, I will suggest you, before going to next point, I will suggest you to get noted down, okay? So, इसको note करने के बाद हम जाते हैं अभी why we need this, okay? तो we need this to get exact idea, okay? तो they may ask you one question. Which type of lens always gives virtual and erect image? पहले question क्या बन जाएगा? Which type of lens always give virtual and erect image? तो यहाँ पे हमें उसका answer मिल सकता है. Answer will be your concave lens. Okay. Now uses of the lens and mirrors. Now they will not ask us because for mirrors they have deleted the syllabus. Still we must know what are the uses. If you are taking the lens. Lens as the magnifying glass, convex lens, you can use the convex lens as the magnifying glass. So whatever is the wherever you are needy to gather the sunlight, you are using that, na? But mostly they are using concave mirrors get our work done. But in the microscope, there are many microscope. One is called a simple microscope, second को बोलते हैं compound microscope, telescope बोलते हैं. telescope में दो होता है, telescope में एक होता है terrestrial, मतलब regular अपना देखने के लिए, और second होता है astronomical. तो यहाँ पे सब जगह ये हम क्या use करते हैं, convex lens use करते हैं. उसका different one two कॉम्बिनेशन, कई सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल यूज़ करते हैं, कंपाउंड में कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं. मतलब क्या करते हैं, एक इमेज बना के लेते हैं और दूसरा और एक होता है लेंस, उससे वो निकाल के अपना इमेज फॉर्मेशन करते हैं. सो दैट वॉज अबाउट द माइक्रोस्कोप. सो इन दिस वे वी कैन यूज़ अवर लेंसेस. अभी आप बोलोगे सर और क्या होता है, और तो अपने जो स्पेक्टेकल्स बनाते हैं, इन मेकिंग द स्पेक्टेकल्स वी आर यूजिंग लेंस. तो लेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ. लेंस टाइप्स, फर्स्ट वन, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, लेंस इज अ डबली रिफ्रैक्टिंग मीडियम. सो लेंस हैज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. तो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें से टाइप पढ़ते हैं. पहला होता है डबल कॉन्वेक्स. क्या होता है, डबल कॉन्वेक्स. ये सब ऑप्टिक्स में यूज करते हैं. डबल कॉन्वेक्स मतलब ये दोनों साइड से कॉन्वेक्स. दूसरा होता है डबल कॉन्केव. ये आपको आप चश्मा बनाते ना,
वहाँ पे आपको ऐसे वर्ड्स सुनाई देंगे, डबल कॉनकेव, डबल कॉनवेक्स या डबल कॉनकेव, मतलब दोनों साइड से कॉनकेव, इसको बोलेंगे आप डबल कॉनकेव। ओके, अभी अभी बनेगा प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स मीन्स एक साइड से प्लेन, एक साइड से प्लेन, डी जैसे आकार का दिखेगा आपको, एक साइड से प्लेन, एक साइड से कॉन्वेक्स। इसके उल्टा, इसके उल्टा क्या आएगा, कॉन्वेक्स प्लेनो, मतलब यहां से आपको कॉन्वेक्स मिलेगा, मतलब इसी इसी को ऐसा उल्टा पकड़ा तो आप उसको कॉन्वेक्स प्लेनो भी बोल सकते हो, मतलब वो सेम है, जैसे आप लेते हो वो सेम हो गया, समझ गए। ये बन गया आपका डबल कॉन्वेक्स, ये डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स प्लेनो, ये सेम है, हाँ दोनों भी सेम है क्योंकि लेंस अपना दोनों साइड से देखते हैं, तो ये तो इसको सेम यूज कर सकते हैं। ओके, और एक होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव। कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसे होता है, पहले कॉन्वेक्स बाद में दूसरा मीडियम कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव बन गया। इसके बाद इसका बन जाएगा, आई होप यू हैव नोटेड दिस डाउन। इसके बाद आता है नीचे लिख के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे डबल जैसा डबल कॉनकेव सॉरी प्लेनो कॉन्वेक्स दिखाते वैसे ही 6-1 करेंगे प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और कॉनकेव प्लेनो, तो वो कैसे बन जाएगा, प्लेनो कॉनकेव, ये बन गया प्लेनो कॉनकेव। और कॉनकेव प्लेनो में पहले कॉनकेव बाद में प्लेनो, और इस यहाँ पे बनेगा कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो पहले कॉनकेव आ जाएगा, ये 7 नंबर वाला कॉनकेव, पहले कॉनकेव आएगा बाद में कॉन्वेक्स आएगा। एक्चुअली ये जो है ये अपने स्पेक्टाकल्स में यूज़ करते हैं, और लास्टली जो अपने सिलेबस को नहीं है कहीं पे भी नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, उसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल लेंस। ये भी हम, ये मेरा अभी स्पेक्ट है, इसमें हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल कैसे दिखते हैं, आइदर ऐसे दिखते हैं नहीं तो ऐसे दिखते हैं। तो ये हालांकि इसके जैसा ही दिखता है, अगर इसको मैंने कट किया तो कहीं पे भी वो ऐसे दिखते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ लेंस। तो फ्रेंड्स, हियर वी हैव स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो फॉर द मे बी इन डाउट सेशन आई विल suggest you for the that magnification and all magnification power of lens that will be studied in the doubt sessions. Already it would have studied also, okay, because yesterday also your doubt session over, in that I would have started with this also. So in that doubt session everything we have already learned, okay. And next point we will start with whatever I told about the power of lens, but most of the times power of lens I have to see whether it is there in your syllabus or not. लेकिन आपको मैं बता के रखूँगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो इट्स इनफ फॉर टुमारो, इनफ फॉर टुडे, टुडे शैल स्टॉप हियर. आई सजेस्ट यू टू स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून विथ फिजिक्स. ओके, बाय बाय.